आज हमारे किचन में बन रही है छोटी फिश मोरला फिश करी। हेलो फ्रेंड, मैं पिंकी फ्लेवर ऑफ जॉय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वो भी फ्री में। आज हम छोटी फिश बना रहे हैं और इस फिश के बहुत सारे फायदे हैं। वैसे तो अक्सर लोगों को बड़ी फिश खानी पसंद आती है क्योंकि उसमें कांटे बहुत कम होते हैं और मांस ज़्यादा होती है, बट ये छोटी फिश बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होती है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ों को इसे 3 महीने कंटिन्यू खिलाएंगे तो उनके ब्लड में शुगर का लेवल काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एक फिश को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके ऊपर का जो जोइंटा होता है वो भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर ली है। देख पा रहे होंगे इसका बॉडी पूरा ही क्लीन है, मैंने इसे बहुत अच्छे से धोया है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी लम्स नहीं है। मैंने इसे बहुत अच्छे से क्लीन किया है। तो आप जब भी इस मछली को बनाएं बहुत अच्छे से पहले क्लीन कर लें। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसके बाद हमें इसे बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है ताकि जितना भी फिश का पीसेस है उसमें नमक और हल्दी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे, बट उससे पहले हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले और बिल्कुल ही धीरे धीरे हाथों से करेंगे, वरना ये फिश बहुत ही सॉफ्ट होती है तो टूट सकती है, इसलिए बहुत ही सॉफ्ट तरीके से इसे मिक्स कर लेना होगा। और अब हम इसे साइड में रखते हैं और मसाला का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मसाले के लिए हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून जीरा ले लेंगे और 1.5 टेबल स्पून हम सरसों ले लेंगे। सरसों हम काली सरसों ले रहे हैं, आप चाहो तो 1/2 टीस्पून इसमें पीला सरसों भी डाल सकते हैं। और हम 2 टमाटर लिए हैं, उसे हमने काट लिया है, 2 टमाटर हम इसमें ऐड कर दिए और डाल देंगे कुछ लहसुन की कलियाँ। अब इसमें थोड़ी पानी ऐड कर देते हैं और इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो पेस्ट हमारी बनके तैयार हो गई है और इसे अब हम साइड में रखते हैं और अब हम फिश को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और कढ़ाई में हम डाल देंगे थोड़ा ऑयल। ऑयल को पहले हम बहुत अच्छे से हीट होने देंगे क्योंकि ऑयल अगर हीट नहीं होगी और हम उसमें फिश ऐड कर देंगे तो फिश हमारी टूट जाएगी, इसलिए हम ऑयल को बहुत अच्छे से पहले हीट करेंगे। अब ऑयल हमारी हीट हो चुकी है तो हम इसमें बारी बारी फिश के पीसेस डाल देते हैं। बहुत ही धीरे धीरे करना होगा वरना इसका जो पीसेस है ना वो टूट जाएगा, क्योंकि ये छोटी फिश बहुत ही सॉफ्ट होती है। मैंने सारी मछलियों को इसमें डाल दिया है और हल्के हाथों से इसे एक बार चला लेना है। और देखिए मैं ऑयल को चारों ओर इस तरह से फैला दे रही हूँ ताकि फिश हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो पाए। इसे ज़्यादा चलाना नहीं है नहीं तो ये टूट जाएगा, और जैसे ही ये एक साइड हल्का भुन जाए फिर उसे हमें पलट देना पड़ेगा। तो इसे हमें ऐसे ही थोड़ी देर मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को हाई पे बिल्कुल ना रखें नहीं तो फिश जल जाएगी, और इसे धीरे धीरे ही पकाए नहीं तो ये टूट सकता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है। तो अभी हम इसे पलट देंगे बहुत ही धीरे से। ये फिश पहले से ही बहुत सॉफ्ट होती है और ये ऑयल में जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा टूट सकती है, टूट भी जाती है, तो इसे बहुत ही धीरे धीरे करके करना है और एक एक करके हम इसे पलट रहे हैं। तो इसी तरह से करें वरना फिश टूट जाएगी। तो बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से इसे हर एक पीस को इस तरह से हम पलट रहे हैं। आप लोग भी जब अपने घर पे इसे ट्राई करना इस तरह से ही करना ताकि पीस जो है वो टूटे ना। एक एक करके इस तरह से हम इसे पलट देते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट हाथों से हम इसे
पलट रहे हैं ताकि ये टूटे ना। आज तो मैं इस फिश को बहुत ही स्पाइसी बना रही हूँ, बट जब इसे किसी भी मरीज के लिए बनाया जाता है तो इसे इतना स्पाइसी नहीं किया जाता है। तो आप इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखें। और फिश हमारी अभी फ्राई हो चुकी है, तो हम इसे निकाल लेते हैं और पैन को खाली कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं फिर से थोड़ी सी ऑयल। और इस ऑयल को भी हम अच्छे से गर्म होने देंगे। और ये जैसे ही गर्म हो जाएगी हम इसमें थोड़ा सा पंचफोरन ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा गर्म होने देंगे अच्छे से। जब ये थोड़ा पक जाएगा तो हम इसमें पेस्ट किया हुआ मसाला ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक का यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले सकते हो। और अब हम इस मसाले को बहुत अच्छे से पकाएंगे। तो पहले हम इसे एक बार चला लेते हैं और फ्लेम को हम मीडियम टू लो पे रखेंगे और मसाले को बहुत से हमें फ्राई करना है। तो वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा पाया गया है कि अगर आप छोटी फीस को डायबिटीज की मरीजों को कंटिन्यू 3 से 4 मंथ तक सेवन कराया जाए तो उनके ब्लड का शुगर का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और बहुत लोगों ने इस पे विजय भी पाई है। तो यदि आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है या आपके जान पहचान में कोई ऐसा है तो आप उसे ये वीडियो ज़रूर सजेस्ट करें या वीडियो को फॉरवर्ड करें। कोई भी छोटी फीस खाने में बहुत टेस्टी भी होती है, मीठी होती है और वो बहुत ही फायदेमंद होती है। उसी में से ये एक फिश मोरला फिश है। बंगाल में इसे मोरला माछ के नाम से जाना जाता है और बंगालीज इसे खाना बहुत ही पसंद करते हैं। वैसे तो इसे चावल के साथ यहाँ पे खाते हैं बट ये रोटी के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। बट किसी भी पेशेंट को या डायबिटिक के पेशेंट को जब भी आप छोटी फिश खाना एडवाइस करें तो वो ऑयललेस और मसाला फ्री होना चाहिए। यहाँ पे और भी बहुत सारी फिश पाई जाती है जो कि एक एक करके हम सारा वीडियो अपलोड कर देंगे, जैसे कि हिलसा माछ, पॉम्पलेट फिश, ऐसी बहुत सारी मछली होती है बंगाल में पाई जाती है। तो हम सारा वीडियो एक एक करके अपलोड कर देंगे। बट सबसे बेस्ट जो होती है वो छोटी फिश ही होती है जो बहुत ही फायदेमंद होती है। तो अब हमारा मसाला यहाँ पे बहुत अच्छे से पकने को आया है। हम इसे काफ़ी देर से पका रहे हैं। काफ़ी देर मैंने इसमें पानी ऐड करके थोड़ी थोड़ी इसे फ्राई की है मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। और मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक गया है और इसमें से बहुत अच्छी फ्लेवर भी आ रही है। कोई भी सब्जी का मसाला आप जितना अच्छा पकाओगे उस सब्जी की टेस्ट उतनी ही ज़्यादा यमी होती है। तो हमारा मसाला यहाँ पे पूरी तरह से पक चुका है तो हम इसमें अब पानी ऐड कर दे रहे हैं। पानी हम इसमें 1/2 कप ही ऐड किए हैं क्योंकि ये मोरला फिश जो होता है ये पतला झोल नहीं बनता इसका, ये माखा माखा ही बनता है, जस्ट लाइक इसमें झोल नहीं होता है। तो हम इसमें 1/2 कप ही पानी ऐड किए हैं और इसे थोड़ा उबाल आने तक वेट कर लेते हैं। तो पानी में उबाल आ गई है, अब हम इसमें एक एक करके बारी बारी फिश को डाल देंगे। एक बार में ही अगर मैंने सारी फिश इसमें डाल दी तो फिश टूट जाएगी, तो इसलिए हम एक एक करके फिश को इसमें ऐड कर दे रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से ताकि फिश टूटे ना। और जब सारी फिश इसमें ऐड हो जाए तो इसे हम हल्के हाथों से अच्छे से थोड़ा
मिला लेंगे ताकि फिश जो है ग्रेवी में अच्छे से मिल जाए। अगर आप इसे चला रहे हो तो बहुत ही हल्के हाथों से चलाना, वरना फिश अभी ग्रेवी में है तो ये बिल्कुल भी टूट जाएगी। तो इस तरह से ही हम इसे हल्के से चला लेंगे और इसे किसी भी प्लेट से ढक के हम 2 मिनट पकाएंगे। तो इसे प्लेट से ढक के 2 मिनट हम छोड़ देते हैं। तो देखिए मछली का ग्रेवी, इसका कलर कितना अच्छा आया ना। तो हम इसे एक बार चला लिए हैं और अब हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुछ हरी धनिया के पत्ते हमने बारीक से काट के रखे हुए हैं उसे हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये पीस में धनिया के पत्ते लास्ट में ज़रूर ऐड करें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसे हम प्लेट से ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। देख लीजिए पीस हमारी बनके बिल्कुल भी तैयार है और कितना स्पाइसी बना है ना, कलर भी इसका बहुत अच्छा और ग्रेवी इतना ही ठीक ही चाहिए होता है। ये इसी टेक्सचर में बनेगा तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और इसे चावल के साथ खाए, रोटी के साथ खाए, बहुत ही सुपर्ब इसका टेस्ट होता है। तो हमारी फिश करी बनके बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड, आप लोगों को हमारी आज की ये मोरला फिश की रेसिपी कैसी लगी, कैसा बना है हमारा फिश करी, हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी आज की ये छोटी फिश करी की रेसिपी कैसी लगी। और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना फ्रेंड, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।